वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नंबर्स। नंबर्स हमारे काउंटलेस होते हैं। काउंटलेस का मतलब है अनंत। जैसे तारों को हम गिन नहीं सकते, स्पेस में काफी सारे तारे हैं, अनगिनत। हम एक दो तीन नंबर स्टार्ट करेंगे, जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वैसे ही तारे हम देखेंगे कि बढ़ते जाएंगे और कभी खत्म नहीं होंगे स्पेस में। वैसे हमारे हैं नंबर। अब जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और एक जीरो है हमारा। इन तीनों को मिलाकर हमारे बनते हैं इंटीजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। देखिए, मेरे परिवार में पांच सदस्य हैं, पांच मेंबर हैं और हर एक सदस्य दो रोटी खाता है, तो मेरी मम्मी ने 10 रोटियां बनाई हैं। फिर मैं बाहर से खेल कर आता हूं घर पर, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी हुई है और मैं इन 10 रोटियों में से 5 रोटियां खा लेता हूं। 5 रोटी खाता नहीं हूं, अभी हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए मैं 5 रोटी खा लेता हूं, तो जो मैंने 5 रोटी खाई है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस, और यही हमारा नेगेटिव नंबर है। और जो 10 था इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। हम इसको +10 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को 10 को हम +10 भी लिख सकते हैं और सिंपल 10 भी लिखेंगे, तो ये दोनों हमारे क्या हुए? पॉजिटिव। आज न्यूज आती है, न्यूज में बताया गया है कि जो तापमान है वो 5 डिग्री से बढ़ा है, 5 डिग्री से वृद्धि हुई है, मतलब कि 5 डिग्री से और गर्मी हो गई है। अब 5 डिग्री बढ़ा है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? पॉजिटिव नंबर, बढ़ा है। आज मम्मी ने मुझे 10 रुपए दिए, 10 में से मैंने 3 रुपए की पेंसिल खरीद ली, तो जो मैं 3 रुपए खर्च किए हैं वो क्या होंगे? माइनस में जाएंगे, मतलब कि ये हमारा नेगेटिव नंबर हुआ है। मेरा अच्छा काम करने से जो अध्यापिका है उन्होंने मुझे 7 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं गुड हैंडराइटिंग के, तो ये मेरे जो 5 नंबर जो मुझे मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, ये मुझे क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर होगा। आज बॉस ने 500 रुपए बढ़ा दिए सैलरी पे, तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। मेरा दोस्त 2 लीटर की पेप्सी की बोतल लेकर आया है, उसमें से हमने 200 मिलीलीटर पेप्सी पी ली है, तो जो 200 मिलीलीटर है वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव नंबर। जैसा कि आपने इन सभी उदाहरण से देखा, जो हमारे नेगेटिव नंबर है वो किसी डाटा या किसी नंबर में कोई कमी आती है, कुछ चीजें खर्च हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव नंबर्स। और अगर सैलरी में वृद्धि होती है, किसी नंबर में वृद्धि होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। अभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्लियर हो गए हैं, जीरो का आपको पता ही है, और इन सभी को मिलाकर हमारे बनते हैं इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन में जो जीरो है वो बीच में होता है, मध्य में। इसके राइट हैंड साइड पर हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर्स। जो हमारे पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, इसका मतलब है कि जो 1 है वह -1 से बड़ा है, बड़ा है, तो जो ये खुली हुई जगह है वो बड़े की साइड होगी। अब देखिए, अगर कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर हो, मान लीजिए -999 हो, तो अगर मेरे पास 1 है तो मेरा पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। अगर हम दो पॉजिटिव नंबर के बारे में कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें कितनी है? 1, 2, 3। इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4, जिसमें मेरी संख्या ज्यादा होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें मेरी 3 है, इसमें मेरी 4 है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट होगी
वो मेरा बड़ा नंबर होगा। अब देखते हैं कि मेरी जो डिजिट है वो सेम हो जाती है, इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है, दोनों पॉजिटिव नंबर है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी मतलब कि 1 2 3 जो थर्ड डिजिट होगी 1 2 3, इनके इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए ये 8 है तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस मानते हैं कि ये दोनों सेम है, थर्ड नंबर मेरा सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड डिजिट को देखेंगे, नंबर की सेकंड डिजिट को देखेंगे, यहां 0 यहां 3 कौन सी बड़ी है, 3 वाली, तो ये बड़ा हो गया। ये तो था तीनों केस पॉजिटिव नंबर कंपैरिजन के लिए, पॉजिटिव नंबर कंपैरिजन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखेंगे हम तीन केस नेगेटिव नंबर के लिए। देखिए अगर जो हमारा नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर है, देखिए -1 है और -3 है, बड़ा कौन सा होगा, जो हमारी जो नंबर लाइन है उसमें राइट हैंड साइड को जितने नंबर होंगे वो हमारे बड़े होंगे। जैसे कि -1 से क्या क्या बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है और 3 भी बड़ा है। ठीक है, अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स के बारे में देखें -1 और -3, तो बड़ा कौन सा होगा, राइट हैंड साइड कौन सा है -1, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है -3, तो मेरा बड़ा कौन सा हो -3 और -1 में से, -1 मेरा बड़ा हो गया, तो -3 छोटा है -1 से। नेक्स्ट, जैसा हमने कंपैरिजन किया था इसमें हम डिजिट देखेंगे, इन्हीं को ही हम नेगेटिव ले लेते हैं और ये -532। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें इन सभी का उल्टा हो जाएगा, यहां पर हम जो पॉजिटिव नंबर में नंबर ऑफ डिजिट देखते थे कि कौन सी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ज्यादा है नंबर की, इसमें थी हमारी 4 इसमें 3 थी, तो 4 ज्यादा हुई तो बड़ा साइन आ गया, अगर दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें हमारी नंबर ऑफ डिजिट है वो स्मॉल होगी, कम होगी, जैसे कि इसमें 3 है ये कम है तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 434 और 532 दोनों ही नेगेटिव में है, यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर हम देखेंगे 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर से उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो 4 है छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हमारी थर्ड डिजिट भी सेम है, अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड डिजिट का, यहां 3 है यहां 0 है, ये छोटी है तो ये बड़ी हो गई। फिर यहां पर हमारी दोनों डिजिट बराबर है, थर्ड भी और सेकंड भी, अब हमारे फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट डिजिट में 1 छोटा है तो ये हमारी बड़ी हो गई। ये सभी केस थे नेगेटिव नंबर के लिए। अब आप इतनी सारी बातें याद कैसे रखेंगे, अब देखिए पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं पॉजिटिव नंबर, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स है अगर बड़ी होगी तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर छोटी होगी तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे कि इसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हुई, 1 2 3 4, 1 2 3, यहां पर 4 है यहां पर 3 है, 4 बड़ा है 3 से तो ये नंबर बड़ा हो गया। अगर हमें दो नंबर दिए जाए कंपेयर करने के लिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो बड़ा हो जाएगा किसी भी नेगेटिव नंबर से। दूसरी बात, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, अगर नंबर ऑफ डिजिट बड़ी है तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ डिजिट छोटी है तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, जैसा कि ये केस है। फिर हम क्या देखेंगे, अगर हमारे नंबर ऑफ डिजिट सेम है ये केस, तो हम जो सबसे बड़ी डिजिट है वो देखेंगे, यहां पर 1 2 3 थर्ड डिजिट है तो हम थर्ड डिजिट को देखेंगे, दोनों की थर्ड डिजिट को देखेंगे, दोनों की थर्ड डिजिट को देखेंगे और पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो जो बड़ी है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। ये अगर हमारी सबसे बड़ी डिजिट वो सेम है
तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे। अगर सेकंड डिजिट बड़ी है तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर सेकंड डिजिट भी सेम है, जैसे कि ये सेकंड और थर्ड डिजिट दोनों सेम है, तो हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है? 5, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों मेरे नेगेटिव नंबर है तो हम यही सेम केस करेंगे, जहां पर हमने बड़े के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वहां हम छोटे के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहां पर मेरी 4 डिजिट है, यहां पर मेरी 3 डिजिट है, तो जो 4 वाली होगी वो छोटी हो जाएगी, जो 3 वाली होगी वो बड़ी हो जाएगी। दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर की डिजिट सेम है, यहां पर भी 3 है 1 2 3, यहां पर भी 3 है 1 2 3, तो हम थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड डिजिट देखेंगे तो नेगेटिव है दोनों, नेगेटिव में जो छोटा होगा, 4 छोटा है, वही बड़ा हो जाएगा। फिर अगर हमारी दोनों डिजिट सेम है, यहां पर दोनों थर्ड डिजिट सेम है, तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे। जो डिजिट छोटी होगी, 0 छोटी है 3 से, तो ये बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है दोनों। फिर नेक्स्ट, अगर हमारे सेकंड और थर्ड डिजिट ये दोनों सेम है, तो हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। यहां पर 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो नेगेटिव नंबर में जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो 1 बड़ा 1 छोटा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर है वो हमारे 0 से छोटे होते हैं हमेशा। तो अभी हमने देखा है इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 होता है। फिर हमने कंपैरिजन समझी है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में, पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर में, और नेगेटिव और नेगेटिव नंबर में।